अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उल्फत आरा, न्यूज़ 18 उर्दू में बहस न्यूज़ एंकर काम करती हूँ। और लेकिन आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, बल्कि आज मैं सेल्फ क्वारंटीन हूँ, घर पे हूँ, छुट्टी पर हूँ और मैं यहीं आकर रह गई। और जो सबको पता है कि बहुत ही सीरियस सिचुएशन चल रहा है इस वक्त कोरोना वायरस की वबा से, जो है दुनिया के कई ममालिक इससे इसकी चपेट में आ चुके हैं और लोग बहुत इस चीज़ से निकलने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या फिर डॉक्टर्स की, मेडिकल साइंटिस्ट्स, हर इंसान जो है अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाए, इस सिचुएशन से, और हम मामूल की ज़िंदगी दोबारा से बसर कर सकें। अभी तक हम सब जानते हैं कि इससे हमें जो है इससे निजात मिलना अभी ऐसा कुछ इम्कानात नहीं है, लेकिन हम पे ये डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को आगे ना बढ़ने दें। इस जो ये चेन बढ़ती जा रही है, हमने जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा, बांडीपुर में देखा स्पेशली, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है चेन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हम पर फ़र्ज बनता है, बहस एक अच्छे हम शहरी हैं, हम पर फ़र्ज बनता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर हमें डॉक्टर्स की तरफ से बार बार समझाया जा रहा है कि किस तरीके की हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, तो हमें उनको मुकम्मल तौर से फॉलो करना चाहिए। हमें बिल्कुल घर के अंदर रहना है, कुछ हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बस फॉलो करना है कि हमें जो कहा जा रहा है वो हमें करना है। हमें कहा जा रहा है कि हम घर पर रहें और बहुत ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत में ही हम बाहर आ जाएँ, और बिल्कुल पूरी तरीके से जिस तरह से हमें बाहर जाना है उसके बाद किस तरह की जो है ताकीद की गई है, किस तरह किन चीज़ों पे हम जो है कौन सी चीज़ें हम ना करें और कौन सी चीज़ें करें, जैसे हमें दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखनी है, और उसके बाद अगर हम कोई सामान लेकर के आते हैं बाहर से उसको वॉश करना है और अपने हाथ जो है उनको भी वॉश करना है, तो इसी तरह की कई सारी चीज़ें हमें कही गई हैं, वो शायद आप सबको पता होगा। और सबसे बड़ी बात इस वक्त सबसे जो अहम है वो हमें घर पे रहना है। मुझे लगता बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्पेशली हम कश्मीरीज को, हमें पहले से आदत है लॉकडाउन में रहने की, हमने बहुत बुरी सिचुएशंस में भी सर्वाइव किया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम घर पे रहें और हम सर्वाइव ना कर सकें। और आज तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का यही हाल है, तो हमारी तो बात ही नहीं है, हम तो सर्वाइव कर ही रहे थे ऑलरेडी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे इल्तमास करती हूँ, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि अपने घरों में ही रहें और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में ही बाहर आ जाएं, और जिस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की जा रही है लगातार हमें डॉक्टर्स की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको हम बिल्कुल फॉलो करें, उनको बिल्कुल हमें इग्नोर किसी भी हालत में नहीं करना है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें अपने आसपास बेजुबान जानवरों या फिर परिंदों का इस सिचुएशन में उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, और आसपास अगर कोई गरीब है जिसके घर में खाना नहीं है, जो दिन में मजदूरी करता था और शाम में वही अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था, ऐसे लोग अगर आप साहिब सरवत हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। और इस वक्त सबसे अहम बात यही है कि घर पर रहें, सेहतमंद रहें, और बहुत जल्द हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट जाएंगी और हम हंसी खुशी वैसे ही सबके साथ रहेंगे, जिस तरह से आजकल हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, गुजर जाएगा, और हम अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ वापस गुजार सकेंगे।